नगरीय निकाय के दूसरे चरण में रीवा नगर निगम के महापौर तथा पार्षद पदों एवं 9 नगर परिषदों के पार्षद पदों के लिए मतदान कराया गया। इनकी मतगणना निर्धारित केंद्रों में 20 जुलाई को प्रातः 9 बजे से होगी। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प ने बताया कि रीवा नगर निगम की मतगणना शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज रीवा में बनाए गए मतगणना केंद्र में होगी। नगर परिषद गोविंदगढ़ की मतगणना शासकीय पुष्पराज हायर सेकेंडरी स्कूल, नगर परिषद गुड़ की मतगणना शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा नगर परिषद मनगवा की मतगणना शासकीय महाविद्यालय मनगवा में होगी। नगर परिषद सिरमौर की मतगणना शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में तथा नगर परिषद बैकुंठपुर की मतगणना शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में की जाएगी। नगर परिषद सिमरिया में शासकीय महाविद्यालय, नगर परिषद त्योथर में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय, नगर परिषद चाक घाट में शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा नगर परिषद डभौरा में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डभौरा में मतगणना की जाएगी। कलेक्टर ने कहा है कि मतगणना के दौरान सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए जाएंगे। केवल वैध प्रवेश पत्रधारी व्यक्ति को ही मतगणना केंद्र में प्रवेश मिलेगा। मतगणना केंद्र के अंदर मोबाइल फोन का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। पत्रकारों को मतगणना स्थल में बनाए गए मीडिया सेंटर तक मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति रहेगी। मतगणना के समय उम्मीदवार तथा उनके मतगणना एजेंट उपस्थित रह सकते हैं। मतगणना के लिए अधिकारी और कर्मचारी तैनात कर दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज।